समाज भगत सिंह नगर में चल रहे ज्ञान ज्योति वार्षिकोत्सव पर्व के सायंकालीन सत्र के भजन प्रवचन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें डीएवी मैनेजिंग कमेटी के सचिव अरविंद घई, रश्मि घई, अनु आर्य, सीमा अनमोल, भूपेंद्र उपाध्याय, वेद प्रकाश भाटिया, आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य, हर्ष लखनपाल ने संयुक्त रूप से ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सीपीएस केडी भंडारी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि ऋषि दयानंद जी की 200वीं शताब्दी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है, सराहनीय कदम है। आगे उन्होंने कहा कि आर्य समाज लोगों को जागरूक कर धर्म के साथ जोड़ रहा है और ऋषि दयानंद जी के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। इस अवसर पर आरती आर्य, सोनू भारती, दिनेश पथिक ने भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य जगत के विश्व विख्यात वैदिक विद्वान आचार्य विष्णु मित्र विद्यार्थी ने अपनी कथा के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अरे तेरी महिमा दूसरे से नहीं बढ़ सकती, अगर तुझे अपनी महिमा को बढ़ाना है तो अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ के बिना हम अपनी महिमा, बोलो, इससे क्या कहा आदरणीय हर्ष जी, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद, पूर्ण माने मन से, माने भीतर से, वाणी से, व्यवहार से पूर्ण पुरुषार्थ स्थित प्रज्ञ क्या है। आदरणीय सुभाष जी मुझे परसों उपदेश कर रहे थे, मैंने इनका उपदेश ग्रहण किया और घर पर आकर अपने स्थान पर मैंने मनन किया। नाम ही जीवन दा रहा है, असि जाने जाने कई बार पाप कर जाने हैं और दुख का बीज बो देने, लेकिन जो सत्संग जाने हैं, मंदिर जाने हैं, गुरुद्वार जाने हैं, सारे पाप संकट कटे जाते हैं। इतने बताया है कि पल ये व्यर्थ नहीं जाना, ये इंसान की सही पूंजी है, जरा अस प्रभु सिमरन चानना है, ये साड़ी सही दौलत है। सिकंदर सारे जहान का वाली सी, खाली हथ आया सी, खाली हथ गया सी।